हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आप लोग का स्वागत हमारे चैनल स्वामी वेब गेमिंग में। अब भाई, पिछली बार हम लोगों ने हरा दिया था ब्लेन को और जियोवानी को। हमें अर्थ बैज और वॉल्केनो बैज मिल गए थे। आज हम लोग बिल के साथ जाने वाले हैं आइलैंड्स की तरफ और आइलैंड का मिशन कंप्लीट करना है। और भाई, मैं इतने से क्यों ऑफलाइन, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बिल से यार, अपना थोड़ा सा चैप्टर स्टार्ट करते हैं ये एपिसोड। तो बिल से बात करते हैं और भाई ये कुछ तो अपना बोलेगा, जो भी भाषा में ये लेके जाएगा अपने को भाई ये आइलैंड की तरफ चलते हैं। और भाई सॉरी यार, इतनी सी वीडियो नहीं आ पा रही थी, लगभग 4-5 दिन तो हो ही गए होंगे या शायद ज़्यादा ही हो गए होंगे। ठीक है, तो भाई क्या करूँ यार, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। घर पे सब लोग कुछ ना कुछ काम रहता है तो नहीं हो पाता भाई, इसी वजह से अभी बहुत मुश्किल से मुझे मौका मिला इस टाइम पे एकदम खाली एक कमरे में रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो क्या करूँ यार, तो उसी वक्त अभी कर रहा हूँ, इसलिए मैं बना रहा हूँ वीडियो। और भाई इस टाइम रात के 12-12:30 बज रहे हैं भाई, तब भी मैं बना रहा हूँ किसी तरीके। मुझे किसी भी तरीके कंप्लीट करना था भाई, बहुत टाइम से वीडियो नहीं ला पा रहा, इसलिए मुझे इस टाइम पे स्टार्ट करना पड़ा आज रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो भाई थोड़ी सी बात थी यार, अपने जो लोग सोच रहे होंगे कि नहीं वीडियो आ रही, तो भाई टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे, घर पर बहुत काम रहता है इस टाइम। तो भाई ये बंदे से हम लोग यहाँ पे बिल लेके आए भाई, इसका कुछ ये फ्रेंड है, मतलब यार पता नहीं कौन सा लैंग्वेज है, तो मैं थोड़ा सा मुझे पता है। तो भाई यहाँ पे मुझे देखो भाई, सेम क्या करना है क्या अपने को यहाँ पे भाई, अपने को रूबी और सफायर दो ढूंढने हैं यहाँ पे, लाके इस बंदे को देने हैं भाई। ठीक है, ये भाई बिल ने अपने को दे दिया है मिटियोराइट, और इसके अपने ट्री टिकट दे दिया इस बंदे ने, आई मीन बिल ने शायद दिया है अपने को, और सेलियो नाम इसका बगल वाले का। तो मैप भी मिल गया अपने को तीनों आइलैंड का, तो हम लोग मैप के जरिए जो है आराम से जा सकते हैं तीनों आइलैंड पे, मतलब कि मैप के जरिए नहीं, मतलब कि मैप से हम लोग पता कर सकते हैं तीनों आइलैंड पे। हम लोग का आइलैंड पे मिशन है, हम लोग को ढूंढना है रूबी और सफायर इस बंदे को ला के देने हैं, तो इसका मिशन पूरा हो जाएगा। इसकी मशीन जो ये दिख रही तुमको यहाँ पे, ये चालू हो जाएगी। तो भाई चलते बिना देर के भी निकलते हैं यहाँ से, और बिना देर के तो भाई यहाँ पे थोड़ा सा तुम लोग को लग ही रहा होगा कि मैंने थोड़ा सा स्किप कर दिया पार्ट, पता है क्यों, यहाँ से निकलने के बाद, क्योंकि भाई बहुत टाइम लगता है आगे लड़ने में, अपने को लड़ना पड़ता जो आगे सब बंदे होते, इसलिए मैंने उन सबसे पहले लड़ लिया, तुम लोग देख रहे होगे भाई। ठीक है, यहाँ पे मैंने लड़ लिया, अपने को यहाँ पे ना वो भी रॉक स्मैश भी मिलेगा अभी आगे। मैं यहाँ पे मैंने सब बंदों से लड़ लिया, ओ पकवान अपीयर हो रहे हैं, जल्दी जल्दी हम लोग हटाते हैं। तो भाई ये तो इन लोगों से हम लोगों ने लड़ लिया मैंने, तो ताकि ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो भाई जब तुम लोग इन लोगों को हरा दो, उसके बाद करना है तुमको बताता हूँ मैं थोड़ा सा, उसका तुम्हें वापस आना है, अगर तुम्हें अपना मिशन कम्प्लीट करना है तो वो दिखाता हूँ एक चीज़ में, वेट 1 मिनट। चलो भाई पहले चलते हैं ना आगे दौड़ के, खूब तेज बहुत फास्ट स्पीड में निकलूंगा मैं, इनको मैंने हरा दिया इसलिए कोई आ नहीं रहा यहाँ पे। कि अगर तुम यहाँ पे जाओगे जिधर मैं जा रहा हूँ, ठीक है, ओह सॉरी, थोड़ा फास्टली मैं जा रहा हूँ भाई, क्योंकि तुमको कुछ दिखाना है मुझे। तो इसके वजह से मैंने इससे पहले 2 बार रिकॉर्डिंग की थी अपने गेम की, बट यार वो बीच में करप्ट हो गई, मतलब यार बीच में वो सही से बन पह नहीं पा रहा था। देखो भाई क्या होता है यहाँ पे, हम यहाँ पे आएंगे ना भाई, जो दो बंदे खड़े हैं देखो भाई, टीम रॉकेट के बंदे हैं, यहाँ से अपने को ये लोग जाने देते हैं, रूबी अपने को यहीं मिलेगी, यहाँ पे पीछे केव है, लेकिन अपने को दिख नहीं रही अभी। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई अभी हम लोगों ने ना मिशन पूरे तरीके से सही नहीं हुआ, जिस तरीके से अंजाम देना चाहिए था उस तरीके से। सबसे पहले भाई तुम लोग अगर मान लो सबको हरा दो यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद तुम्हें जाना है सीधे इसके पास, जाना तुम्हें सीधे जाना है वापस, जहाँ पे बिल था वहीं पे वापस जाना है अपने। तो हम लोग चार यार्ड का यूज करते हैं जल्दी से, यहीं पे फ्लाई करना है, बगल में चले जाते हैं जल्दी से। ठीक है, तो फ्लाई करके चलते हैं। और भाई जब तुम लोग सबको हरा दो बंदों को, या फिर तुम लोग वहाँ पे पहुँच जाओ, तो तुम्हारा मिशन स्टार्ट नहीं होगा, तुम्हें वहाँ पे वापस आना पड़ेगा और इस बंदे से एक बार बात करनी पड़ेगी, ये सेलियो जो है, इससे बात कर लोगे एक बार ना तो तुम्हारा मिशन फिर से सही हो जाएगा। यानी मेरा मतलब है कि वो जो केव अपने को दिख नहीं रही थी वो दिखने लगेगी। तो चल के देखते हैं अब यार। तो इसने कुछ भी पता नहीं क्या बोला, मुझे नहीं पता, बट इसने अपने लिए रास्ता खोल दिया है वो जो अपने को चाहिए। हम लोग रॉक स्मैश भी तुमको बताया था मैंने, मुझे मिलेगा जो HM06 है अपना, तो वो भी यहाँ पे मिलेगा। तो यार जल्दी जल्दी चलते हैं, पहले रॉक स्मैश लेंगे हम लोग, और अभी सिखाऊंगा मैं किसी पोकेमॉन को नहीं सिखाऊंगा भाई, क्योंकि भाई बहुत टाइम लगता है सिखाने में, मतलब कि अभी ज़रूरत है नहीं, मेन बात ये है भाई, जब ज़रूरत पड़ेगी मैं सिखा दूंगा। ठीक है, तो भाई ये देखो, ये एक केव है, एक्वास पता नहीं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग भैया जो पता है मैं उनको बताता हूँ भाई, यहाँ पे एक नर्स चूहे भी अपने पोकेमॉन को हील कर देती हैं, फिलहाल मुझे ज़रूरत नहीं ना अभी, तो मैं सीधे जाऊँगा यहाँ पे किसी से बिना बकवास किए हुए सीधे अपने काम पे। अब भाई बीच में कुछ तुम लोग सोच रहे हो कुछ ऐसे एपिसोड भी होने चाहिए, यहाँ पे कुछ अलग अलग तरीके के पोकेमॉन भी मिलते हैं, लेकिन
मैं अभी केवल मेन फोकस कर रहा हूँ रूबी और सफायर पे, ठीक है? तो मुझे रूबी और सफायर ढूंढना है आज। भाई देखो भाई, इसने अपने को MO06 दे दिया है, मतलब वही मतलब यार HM06 है वो, ठीक है? उसी को रॉक स्मैश कहते हैं। तो अपने को रॉक स्मैश मिल गया यहाँ पे, कुछ लोग यकीन नहीं होगा, दिखा देता हूँ भाई, देख लो एक मिनट तुम लोग पहले। तो जो MA06 MO06 जो भाई देखो, ये यही दिया उस बंदे ने अपने को, गॉल पे रोका भाई रॉक स्मैश, ठीक है? तो यहाँ से निकलते हैं पहले हम लोग। अब भाई तुम लोग देखना भाई, अपना मिशन वहाँ पे ना शुरू हो गया होगा, यानी हम लोग अब जाके टीम रॉकेट के बंदे जो कुछ बोल नहीं रहे थे अभी मैं वहाँ गया था, अब वो लोग अपने से लड़ेंगे भी इस बार, देखना तुम लोग। ले चलते हैं हम लोग, देखते हैं। मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ क्योंकि भाई अब तो थोड़ा स्लो चल ही सकते हैं हम लोग, मैं सबको हरा दिया है तो कोई दिक्कत नहीं अपने लिए, कोई रास्ते में कांटा नहीं बनेगा, ठीक है? तो अब देखो भाई क्या होता है यहाँ पे, ये देखो भाई कुछ लिख के आ रहा है, देखा भाई नीचे वहाँ पे देखो भाई केव का रास्ता अपने आप खुल गया। देखो भाई पीछे केव दिख रही है अपने को, इस बार पहले नहीं दिख रही थी हम लोग आए थे तो। ओके सो देखो भाई वो बंदे कुछ आपस में बात कर रहे हैं, उन्होंने अपने को देख लिया है, तो मुझे लड़के इन लोगों को लड़के हराना, जल्दी जल्दी बहुत फास्ट ही हराऊंगा मैं, बस टाइम बिल्कुल भी नहीं है इनके खिलाफ लड़ने के लिए, क्योंकि भाई अपने को अभी रूबी तो यहाँ पर मिलेगी मुझे पता है, लेकिन सफ़ायर भी ढूंढना। ओ यार कोई नहीं भाई, हरा देंगे, डोंट वरी। और अगला पोकेमोन, अरे यार ब्लास्ट ट्वाइस का यूज करेंगे हम लोग, ब्लास्ट ट्वाइस। अरे यार ब्लास्ट ट्वाइस को इसने भाई कितना तगड़ा अटैक दिया है, चलो कोई नहीं, फिर भी गया फेंट। बगल वाले बंदे से बात करते हैं जरा, और इसके पास एक वाबा फैट पहले ही है, डिफेंस काफ़ी तगड़ा होगा। ओ यार कितने तगड़े पोकेमोन रखा है इसने भाई, हल्के में लेने वाले नहीं उसके पोकेमोन बिल्कुल भी। साइकिक यूज करते हैं, देखते हैं कितना असर होता है। अपने पास रिवाइव है कि नहीं यार, मुझे याद नहीं सही से। ओ यार बच गए बच गए बच गए बच गए, अरे चार फेंट हो गया। कोई नहीं भाई, उसका बरबा बाबा फैट तो गया भाई, तो यूज करते हैं अपना बाबा, पता नहीं क्या लिखा है। जल्दी से जाया, काम नहीं कर रहा साइकिक, काम कर रहा है साइकिक। चलो भाई इन लोगों को हम लोगों ने हरा दिया किसी भी तरीके से, चलो ठीक है फाइनली ये लोग गए तो भाई बंदे पेंट हो गए हैं। हम लोग चलते हैं अंदर भाई, मुझे को यहाँ पर रैपल लेना चाहिए भाई, यहाँ पर रैपल की ज़रूरत पड़ेगी, मैंने गलती की है समझे। चलो अगली बार से रैपल लेके हम लोग तुम लोग आना, थोड़ा फास्टली हटाऊंगा यार इन लोगों को, ठीक है? तो अब जल्दी से निकलते हैं इधर से। अरे यार पोकेमोन थोड़ा देर बाद अपीयर हो जाओ यार। तो भाई यहाँ पे काफ़ी वॉल्केनो के हम लोग अंदर एकदम समझ लो भाई रास्ते पे खड़े हुए हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा एक वॉल्केनो है ये पूरे तरीके से, ज्वालामुखी तरीके भाई यहाँ पे, जैसे लग रहा है आग धजा कर रही है खुद तेज से भाई। यहाँ पे देखो अपने जरूरत पड़ेगी स्ट्रेंथ की, जो कि मैंने अपने सिखाया था अपने पोकेमोन को, यानी कि अपने म्यू को सिखाया था, वो फिलहाल वो जख्मी है, तो फ्यू एज या जो भी है यार, ये मतलब वही है स्ट्रेंथ है, इसका यूज करने में निकलेंगे। एक आगे एक और, अरे यार पोकेमोन स्लगमा क्या चाहिए तेरे को? तो हाँ बस इसके और मत खिसकाना, इधर आओ फिर ऊपर की तरफ, इधर से निकलेंगे हम लोग। ओ यार सच में हद कर दी इन लोगों ने, चलो निकल आए हम लोग यहाँ से। अब यहाँ पे फिर से लगाना पड़ेगा अपने को भाई, आई होप तुम लोग बोर नहीं हो रहे होगे यार, आज की वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी मुझे पता है, बट क्या करूँ यार, अपने को ये मिशन किसी तरीके कंप्लीट करना, मुझे ये गेम 2-3 एपिसोड में ख़त्म कर दूंगा, मैं सच बता रहा हूँ भाई। आज के एपिसोड में हम लोग रूबी सफायर ढूंढ लेंगे, इस आइलैंड से निकल जाएंगे, और शायद हम लोग आज म्यू को भी पकड़ें, ठीक है? तो हो सकता है पकड़ूँ आज मैं म्यू को भी, जल्दी 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 जल्दी। अरे यार इतने जल्दी करने के बावजूद भी पोकेमोन अपीयर हो रहे हैं, एक भाई माफ़ कर दे, तुम लोगों को नहीं पकड़ना है अभी भाई। यहाँ पे कुछ अजीब वगैरह तरीके की यहाँ पे कुछ लैंग्वेज लिखी होती है, तुम लोग देख सकते हो। रुचो यार पता नहीं क्या यार ये क्या रहता है, मुझे कुछ लग रहा है पोकेमोन की एंशियंट लैंग्वेज कुछ है ये। तो ये भाई देखो रूबी मिल जाएगी यहाँ पे, अपने को रूबी मिल गया लो, और अपने पास काश स्केप रोप होती तुम लोग तुरंत निकल जाते हैं यहाँ से। अब यार पोकेमोन मार्ट से बहुत चीज़ खरीद के तब इधर आऊँगा यार, या फिर तुम लोग भी आना तो सब कुछ खरीद वरीद के आना, ऐसे मत आ जाना डायरेक्ट, वरना पोकेमोन परेशान कर सकते हैं, जो कि मुझे भी कर रहे हैं बहुत हद तक। एंड नाउ ये यूज करते हैं जल्दी से फास्टली, और बहुत टाइम नहीं पड़ा, जल्दी निकलते हैं भाई,
को सफ़ायर भी ढूंढने जाना है, और सफ़ायर ने बहुत ज़्यादा बवाल रहता है, सच बता रहा हूँ। अरे यार ये मैंने क्या कर दिया, गलती कर दी। अब क्या करूँ, वापस जाना पड़ेगा अपने को, वापस इसमें कूदना पड़ेगा। चलो वापस करके अगर आ जाओगे तुम लोग ना, तुम्हारा सही हो जाएगा वो चीज़। बहुत फास्टली मैं तो, इसलिए गलती हुई है, मैं इतना फास्ट जल्दी खेलता नहीं भाई, इस गेम को कंप्लीट करने के लिए मैं इतना फास्ट खेल रहा हूँ। सॉरी, फास्ट नहीं सही है भाई, स्लो ही खेलो वो ज़्यादा सही है। अरे यार पोकेमॉन, इसको क्या चाहिए यार, देखो भाई बार बार यही अपीयर हो रहा है, पता नहीं क्यों। तुझे नहीं पकड़ना भाई, क्यों इतना आ रहा है तू। तो हम लोग यहाँ से निकलते हैं जल्दी से, और मेरे ख्याल से यही रास्ता है। हाँ हम लोग यहीं से गए थे पहले, फाइनली हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं भाई लोग, और यूज करते हैं अपना डायरेक्ट, चलते हैं बिल के पास और सेलियो के पास। ठीक है, सेलियो वहाँ पे अपने को मिल जाएगा, और उसको देना है अपने को रूबी। सबसे पहले वो अपने मशीन में फिट करेगा, देखना अभी तुम लोग। तो सबसे पहले रूबी देते हैं हम लोग, सेलियो कहाँ गया, सेलियो को देंगे, इसको नहीं देंगे, बिल को रूबी दे दिया हम लोगों को। इसको इसको RUBI लिखा हुआ है भाई, देखो यहाँ पे कुछ कर रहा है ये, फिट कर दिया इसने। एंड इसने अपने को कुछ दिया है, क्या दिया है वो जरा देखते हैं हम लोग। ट्रिक टिकट हमको और मिल गई है, आयरिश टिकट है ये। अब हम लोग कहाँ कहाँ जा सकते हैं, हम लोग घूम सकते हैं आइलैंड नंबर 3 पर, और सॉरी मतलब 2-3 पर तो हम लोग घूम ही सकते थे पहले से भी। हम लोग आइलैंड नंबर 4, 5 और 6 पर भी हम लोग जा सकते हैं हम लोग, समझे। मेरे ख्याल से 7 पर भी जा सकते हैं, शायद 7 पर नहीं जा सकते मेरे ख्याल से, मुझे साइज पता नहीं 7 के बारे में, बट जरा देखते हैं कहाँ कहाँ जा सकते हैं हम लोग। अदर में जाएँ, 7 आइलैंड है यार, यार 7 आइलैंड्स हैं अपने पास। सबसे पहले हम लोग चलेंगे यार 4 आइलैंड पे, कहीं और जाने के बजाय हम लोग सबसे पहले 4 आइलैंड पे चलेंगे। ओके तो चलते हैं 4 आइलैंड पर बिना देर किए हुए। यार तो ये भाई अपना राइवल लियोन, और ये पता नहीं क्या बात कर रहा है। चलो भाई जल्दी इसकी स्किप करते हैं बात इसकी। तो ये जा चुका है भाई, ये यार गैरी के तरीके ये था। चलो अंदर चलते हैं हम, और पोकेमॉन को पहले हील करूँगा यहाँ पे मैं। और भाई अपने को अब देखो यहाँ पे ना एक मिशन अपना और कंप्लीट करना है, जो कि मैं आज ही कंप्लीट कर देता हूँ बिना देर किए हुए। ठीक है, वो मिशन तुमको बताता हूँ मैं क्या है। यहाँ पे अपने को HM07 लेना है, जो कि है तुमको पता ही क्या है वो भाई, HM07 यार, इल्लोरली लग रही है अपने को देखने से। चलो चलते हैं भाई HM07 लेने। वो मेरे ख्याल से वो जिससे हम लोग सर्फ के बाद जो रहता है यार, उसको याद नहीं आ रहा मेरा नाम यार। अरे यार मैं नाम ही भूल जाता हूँ। यहाँ पे बहुत सारी भाई सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पे देखो भाई ये सब जो कुछ चमकीले तरीके दिख रहे हैं ना भाई, इसमें कुछ ना कुछ पोकेमॉन है, कभी लेजेंडरी मिथिकल कुछ भी निकल सकता है इसमें से। तो ये सब हम लोग बाद में कभी खेलेंगे, अभी टाइम नहीं है मेरे पास इतना। ठीक है, और मैं सेकंड और थर्ड आयरन पे क्यों नहीं गया, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा आगे बात करूंगा मैं। यहाँ से भाई जो निकलते हैं उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, ब्लेड रहता है कि ब्लेज, यार समझ नहीं आ रहा क्या नाम था उसका, कुछ बहुत खतरनाक मूव रहता है भाई वो, जिससे हम लोग झरना वरने के ऊपर से निकल सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग थोड़ा स्लोली चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ चलना, यहाँ यहाँ, अरे यार गलती हो गई सॉरी। तो फिलहाल यहाँ जल्दी से निकलते हैं पहले। पोकेमॉन यहाँ भी अपीयर हो रहे हैं भाई, बहुत ज़्यादा पोकेमॉन अपीयर हो रहे हैं, और बहुत से बच गए हम लोग। मुझे यहाँ जाना है अभी, अरे यार पोकेमॉन्स। तो भाई यहाँ पे फिर यहाँ पे जल्दी से मुझे वो ढूंढना है अपना HM07। वो यहाँ से सीढ़ियों से तुम लोग उतर सकते हो भाई, ये देखो ये मिल गया अपने को। और देखते हैं जरा यहाँ पे अपने बैग में इसको देखेंगे हम लोग, और पोकेमॉन को सिखाना भी है मुझे यार, क्योंकि मुझे यहाँ से जो झरना बह रहा है उसके ऊपर से निकलना है अपने को। कैस्केडा लिखा हुआ है, कैस्केडा नहीं है यार, ये कुछ और है, वाटरफॉल, हाँ याद आ गया भाई नाम, वाटरफॉल नाम रहता है इसका। तो ब्लास्ट वाइज को सिखाएंगे हम लोग, ब्लास्ट वाइज का एक मूव हटा देते हैं हम लोग। मैं यार मेरे ख्याल से मुझे बबल हटा देना चाहिए भाई, या फिर फ्लैसे हटा, नहीं बबल हटा देता हूँ भाई। ठीक है, तो बबल हटा देते हैं हम लोग, क्योंकि मैं यार फ्लैसेज की जरूरत पड़ सकती है अपने को, यानी फ्लैसेज नहीं है वो टैकल है, तो टैकल की जरूरत अपने को आगे पड़ सकती है, इसलिए मैंने बबल, मेरे पास वाटर टाइप बहुत सारे मूव थे उसके पास, सर्फ था एक और, अभी ये हो गया है। तो सर्फ से इधर चलते हैं पहले, फिर इधर यहाँ पे क्लिक करना है, फिर पोकेमॉन में जाना है, फिर उसके बाद ब्लास्ट ट्वाइस, और
कैस्केडा पे क्लिक कर देना। अब भाई देखो फिर क्या होता है, ये आराम से झरने इस नीचे से ऊपर चल जाएगा भाई। तो पोकेमॉन्स माफ कर दो यार तुम लोग, तो हम लोग यहाँ चलते हैं भाई। देखो यहाँ पे हम लोग अभी पहले वहाँ उधर उस रास्ते पर थे, हम लोग इधर आ चुके हैं। अब गुफा में जाना है अपने को, लेकिन यहाँ भी पोकेमॉन अपीयर होते जाते हैं पता नहीं क्यों। तो ये भाई गुफा, यहाँ पे लॉरली के ऊपर कुछ खतरा मंडरा रहा है, कुछ टीम रॉकेट के बंदे यहाँ पे कुछ कर रहे हैं लॉरली के साथ, तो उसे पकड़ना चाहते हैं हम लोग, बचाना है लॉरली को किसी भी तरीके से। तो जल्दी जल्दी इस बंदे से अपने को लड़ना है। इसके बाद एक माइटी आना है, यूज करेंगे हम लोग अपना ब्लास्ट ट्वाइस। आई थिंक सर्फ काम करना चाहिए। ओह सॉरी 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 सॉरी, चार यार्ड आ जा, इसके मूव्स काम करेंगे मेरे ख्याल से। कर गए भाई कर गए काम। और अगला कौन है, माइटियाना, ये तो हम लोग यूज करेंगे अपने ब्लास्ट ट्वाइस का सर। सार्पेडो, पिकाचू सही रहेगा यहाँ पे। रेओ यूज करते हैं और गया। कुछ बात चल रही है यहाँ पे, पता नहीं क्या लैंग्वेज है यार। तो भाई सीधे तरीके से उन लोग भाग चुके हैं। और लॉरेली अपने को कुछ देगी क्या भाई यहाँ पे, कुछ नहीं दिया इसने। कोई नहीं, अपने यहाँ का मिशन कंप्लीट हो गया, हमने लॉरेली को आज़ाद कर दिया है, ठीक है। और लॉरेली को कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ से जाने में। तो हम लोग लॉरेली को इसलिए आज़ाद किए क्योंकि भाई लाइट फॉर्म उसी से लड़ना है अपने को, तो इसलिए लॉरेली को आज़ाद करना ज़रूरी था। और हम लोग अब चलते सीधे यार अपने सफायर को ढूंढने, जो कि अपना मेन मिशन है आज का, ठीक है। सफायर ढूंढने के साथ हम लोग हो सकता है म्यू को भी पकड़ने के लिए जाएं, ठीक है, अगर टाइम रहेगा अपने पास तो हम लोग जाएंगे म्यू को भी पकड़ने। तो अपने को सीधे चलना है भाई, मुझे पता है कि साइलेंट पे जाने से तुम लोग ज़्यादा टेंशन मत लो, कि मैं ढूंढूंगा जा करके। तो मुझे पता है अपने को जाना है सिक्स साइलेंट पे, फाइव आइलैंड पे नहीं जाना है, सिक्स साइलेंट पे जाना है, क्योंकि जो वो है वो सिक्स साइलेंट पे अपना, आई मीन सफायर। ठीक है वापस चलते हैं यहाँ से, और एल्फोकॉन को हील करूँगा मैं यहाँ पे, यहाँ पे पोकेमोन को हील करेंगे हम लोग। भाई यहाँ पे भी ये खड़ा हुआ यार, राइवल लियोन है स्वामी, पता नहीं क्या बात कर रहा है भाई ये फिर से। तो कोई नहीं, चलो भाई बातचीत हो गई अपने यहाँ पे। एल्फोकॉन को हील करते बहुत फास्टली हम लोग हील करेंगे पोकेमोन्स को, ठीक है। उसके यहाँ से निकलेंगे हम लोग, तो भाई निकलते बिना देर क्यों यहाँ से अब। और भाई लोग, हम लोगों ने जैसे कि मैंने तुमको बताया था, मैंने थोड़ा सा स्किप कर दूंगा बीच में पार्ट, इसलिए मैंने फिर से स्किप कर दिया अपना पार्ट। वो किस लिए, क्योंकि भाई यहाँ पे बहुत से लोगों से मुझे लड़ना पड़ा था आगे, तो इसलिए मैंने स्किप कर दिया थोड़ा सा पार्ट। मैं तुमको बताता हूँ किससे किससे लड़ा हूँ मैं। तुम तो लोग सफायर ढूंढने निकलते सबसे पहले तो यहाँ पे, और ख़रीदेंगे मैं यार रेपल खरीदूंगा भाई, मुझे रेपल की बहुत ज़रूरत है। और रिवाइव वाइव भी खरीदेंगे हम लोग, फिलहाल मैक्स रेपल अपने को चाहिए, कम से कम 10 तो रखूंगा ही अपने हिसाब में, या फिर 15 रख लेते हैं भाई। अपने पास पैसा बहुत है अभी, तो पैसे को उड़ाना नहीं चाहिए, बट अपने लोग थोड़ा सा चाहिए। चल भाई रिवाइव भी मिल गया अपने को, सुपर पोशन है, सुपर पोशन मैक्स पोशन है, चलो इसको रख लेते हैं, 5-6 रख लेते हैं, चलो ठीक है। चलो काम की चीज़ मिल गई भाई, अब रेपल पहले लगाएंगे हम लोग फिर निकलेंगे यहाँ से। वही पोकेमोन अपीयर होते हैं, सच बता रहा हूँ पोकेमोन अपीयर होंगे इस, पता नहीं क्या इस वाले ग्राउंड के लोगों ने ऐसा बनाया है ना कि पोकेमोन अपने आप अपीयर होते रहते हैं, पता नहीं क्यों भाई। बाकी जो अपने इससे पहले हम लोगों ने खेला उसमें भाई पोकेमोन टहलते रहते थे आराम से, तो अपने कोई टेंशन नहीं होती थी। बट कहाँ गया मैक्स सर्पल, ये है भाई। तो मैक्स सर्पल यूज कर लिया हम लोगों ने भाई, यहाँ से निकलते हैं हम लोग जल्दी जल्दी। यहाँ पे मैंने भाई सबसे लड़ लिया है, तुमको बता देता हूँ मैं, तुमको इन सबसे लड़ना पड़ेगा। ये जो यहाँ अंकल जी दिख रहे हैं, तुमको इन सबसे लड़ना पड़ेगा तुमको, ठीक है। मैंने सबसे लड़ लिया ताकि टाइम तुम लोग का वेस्ट ना हो भाई, और इसमें मुझे बहुत मेहनत लगी। आई मीन यार अगर मान लो मैं तुम्हारे सामने लड़ता इन लोगों से, तो 1 घंटा तो भाई लग ही जाता यहाँ पे घूमने में, लोगों से लड़ने में। तो हम लोग जल्दी सीधे मैं वहाँ पे जाऊँगा जहाँ पे एकदम मेन पॉइंट पे, बिना बकवास किए हुए। और इन अंकल जी से भी लड़ लिया मैंने, इन अंकल जी से नहीं लड़ा, ये पीछे मुंह करके खड़े हैं, क्योंकि भाई ये पीछे मुंह करके खड़े हुए हैं, इनसे क्यों बुलाऊँ मैं फालतू में। तो भाई यहाँ पे अपने को मिलेगा सफायर, जो कि डोर अभी बंद है, तो यहाँ पे कुछ लैंग्वेज लिखी हुई है।
आप लोग सीधे करना है कि आपने को पोकेमोन का एक यूज करना है, मैं यूज करूंगा विनोसॉर का यहाँ पे कट, ठीक है। कट से हम लोग इसका दरवाजा काट देंगे, कट गया है दरवाजा, खुल गया। अब हम लोग को जानना है यहाँ पे कुछ ट्रिकी सा रहता है भाई, इसमें पहले कूदना है भाई, उसके बाद अपने को कुछ अलग अलग जगह कूदना रहता है। मेरे ख्याल से पहले सर इधर कूदना रहता है, आई डोंट नो, नहीं हम लोग गलत जगह कूदे हैं। मेरे ख्याल से मुझे पहले ऊपर की तरफ कूदना रहता है, ठीक है, सफाई ढूंढना है तो अपने को पहले ऊपर की तरफ। फिर सर रेपल ख़त्म हो गया, कोई नहीं यार, यहाँ तो पोकेमोन अपीयर होने नहीं वाले मुझे लग रहा है सर। इस तरफ में, फिर मेरे ख्याल से इस तरफ में, और फिर लास्ट में सर इस तरफ में कूदने हैं, ठीक है। और ये भाई सफायर का, हम लोग पहुंच चुके हैं सफायर के पास, जेफायर यहाँ पे लिखा हुआ है भाई। ये कौन बंदा आ गया है? तो ये बंदा भाई यहाँ पे टीम रॉकेट का है, और ये भाई कोई साइंटिस्ट लग रहा है मेरे को देखने से। और भाई हो ओ कुछ बोल रहा था भाई ये, और ये चुरा के भाग गया भाई, मेरा सफायर इसने ले लिया भाई, मुझे इसको पकड़ना है भाई किसी तरीके से। अपने को फिर से इस बंदे के पास जाना पड़ेगा। तो भाई हम लोग अब सीधे जाने वाले टीम रॉकेट के हेड आउट, या जो भी तुम लोग बोल सकते हो उसको, उसमें हम लोग जाने वाले हैं, ठीक है। तो मैं अपने पोकेमोन का यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, और मैं सबसे पहले जाऊँगा सिक्स आयरन पे अपने, जहाँ से हम लोग आए हैं अभी, वहाँ वापस चलते हैं, और चलते हैं वहाँ से फिफ्थ आइलैंड पे अपने, ठीक है। तो हम लोग यहाँ आ चुके हैं, अरे यार वापस इसमें नहीं जाना मुझे, सबसे पहले हम लोग को जाना है फिफ्थ आइलैंड की तरफ भाई, फिफ्थ आइलैंड में बहुत ज़रूरी है अपने को, वहीं पे वो टीम रॉकेट के बंदे का हाइड आउट है, ठीक है। तो फिफ्थ आइलैंड पे हम लोग चलते हैं अपने। और यार वीडियो थोड़ी हो सकता है बड़ी हो गई होगी, तो भाई डोंट वरी यार, मुझे गेम एंड करना है, इसलिए मैं इतनी जल्दी खेल रहा हूँ या फिर इतना बड़े बड़े वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। डोंट बी ऑफेंड, लोगों को यहाँ पे हील कर लेता हूँ भाई, क्योंकि ज़्यादा दिक्कत ना अपने लिए, तो जल्दी जल्दी हील कर लो। अब यहाँ से निकलते हैं हम लोग। अब भाई मैंने तुमको बताया था कि वीडियो में स्किप कर दूंगा पार्ट को, भाई यहाँ पे मुझे स्किप करना पड़ा थोड़ा सा पार्ट, तुमको बता देता हूँ पहले से ही, क्योंकि यहाँ आगे कुछ बंदे से मुझे लड़ना पड़ा था, ठीक है। तो टीम वगैरह बंदे से मुझे लड़ना पड़ा था बहुत सारे बंदों से, इसलिए मैंने थोड़ा सा पार्ट स्किप कर दिया है। तो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, कहाँ गया भाई, अच्छा इधर है, सॉरी यार, थोड़ा सा रेपल यूज कर लेते हैं फिर हम लोग जाएंगे। रेपल कहाँ है भाई, एकदम लास्ट में रहता मैक्स रेपल, ये रहा। चलो ठीक है, निकलते हैं जल्दी यहाँ से। भाई इस बंदी से मैंने नहीं लड़ाई की है इसकी, क्योंकि इसके पोकेमोन बहुत ज़्यादा हाई लेवल के हैं, तो इन लोगों से मैंने लड़ लिया यहाँ पे, जो तुमको दिख रहे होंगे टीम रॉकेट के बंदे, ठीक है। इसके अंदर हम लोग चलते हैं। तो भाई यहाँ पे तुम लोगों को इस पजल से गुजर के जाना पड़ेगा, तो तुम लोग यहाँ पे जा पाओगे, और तुम लोगों को यहाँ पे जो भाई ये जो दिख नहीं रहा ये, इस पर क्लिक करोगे वापस आ जाते हैं तुम लोग, और इधर से जाओगे डायरेक्ट अंदर चले जाओगे, ठीक है। लेकिन ये वाला गेट ऐसे नहीं खुलेगा मुझे, तुमको यहाँ पे पूरा घूमना पड़ेगा, पूरा इन लोगों से लड़ाई करनी पड़ेगी, तब जाके ये वाला खुलेगा गेट। तो भाई मैं तो खोल चुका हूँ, तो मैं वापस नहीं जाऊँगा, लेकिन एक बार दिखा देता हूँ तुम लोगों को कैसे जाना है। देख लो भाई, इस पर क्लिक करना, यहाँ पर तुम लोग ऐसे धीरे धीरे करके यहाँ पर आओगे, फिर ऊपर चले जाना, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे कुछ आइटम लिए नहीं है अभी, बाद में लूँगा, अब मुझे यहाँ पे थोड़ा याद नहीं है सही से, मेरे ख्याल से इसी में जाना था। देखते हैं किधर जाते हैं हम लोग, हाँ यही सही रास्ता था। फिर तुम लोग यहाँ पे आओगे, यहाँ पे एक बंदा खड़ा रहता है भाई, तो तुमको लड़ना पड़ेगा। फिलहाल वो बंदा पता नहीं कहाँ चला गया। फिर भाई यहाँ बीच वाले में आना तुम लोग, फिर तुमको यहाँ पे आकर रुक जाओगे तुम, तुम्हें यहाँ सीधे ऐसे जाना है, जैसे मैं स्टेप बता रहा हूँ वैसे करना भाई, वैसे तुम लोग पहुँच पाओगे, वही एक रास्ता ही है, ठीक है। यहाँ पे जाना, फिर यहाँ पे ले लेना इस बॉल को, मैंने भी लिया नहीं है। फिर यहाँ पे क्लिक करना, यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ पे एक बंदे से तुमको लड़ना पड़ेगा, फिर यहाँ क्लिक करोगे यहाँ आ जाओगे तुम लोग, ठीक है। फिर यहाँ पे ये देखो भाई, ये चोर है अपना, ये जफायर, मतलब जफायर नहीं सफायर चुराया है, तो इसे तुमको लड़ना, गर्र कर रहा है गुस्से में अपने भाई, चोर खुद गुस्सा कर रहा है, बताओ भाई, खुद चोर खुद गुस्सा कर रहा है ये, तो फट गया है तो भाई इलेक्ट्रोड। अगला कौन सा जरा देखें, पास एक इसी का यूज करते हैं हम लोग, मेरे ख्याल से ये काम करना चाहिए, कर रहा है काम, कर रहा है कर रहा है कर रहा है, बस एक बार और लग जाए तो, अरे यार एक बार और, एक बार और, एक बार, अरे यार कोई नहीं भाई, गेंगार यूज करते हैं, बॉम्बा बहुत सही काम कर गया, थोड़ा फास्टली मैं खेल रहा हूँ, मेटा ग्रॉस ब्लास्ट वाइस सर्फ यूज करते हैं, अरे यार उसका पोकेमोन, चल भाई ये भी फेंट हो गया। अगला कौन है, पॉरीगॉन टू, पॉरीगॉन टू, पॉरीगॉन का विकसित रूप है ये,
विकसित रूप नहीं, मतलब इसको इवॉल्व करने के लिए अपने को कोई खास आइटम की जरूरत पड़ती है, मुझे ऐसा पता थोड़ा सा। अरे यार पॉलीगॉन हल्के में लेने वाला नहीं है पोकेमोन रेओ से। चलो भाई गया। अगला है आर्माल्डो, इसके खिलाफ तो भाई अपना चार्जार्ड काफ़ी रहता है, बट अभी मैंने पिकाचू को ले लिया है तो पिकाचू फेंट हो गया। कोई नहीं यार चार्जार्ड को ही भेजते हैं और मेगा एवोल्यूशन करते हैं भाई, अपने पास क्योंकि ज़्यादा पोकेमोन बचे नहीं है तो अपने को। अच्छा भाई फेंट हो गया, मतलब इसके सारे पोकेमोन गए अब भाई, से नो ले लेते हैं भाई। जफेरो अपना मिल गया, यानी जफायर बैच कह रहा हूँ मैं, अभी पता नहीं क्या क्या बोलता रहता हूँ भाई। अब भाई बहुत देर से बोल रहा हूँ, अब फाइनली यार अपने को, बहुत देर से खेल रहा हूँ मैं और फाइनली अपने को सफायर तुम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा भाई। तुम लोग को पता चल गया कैसे मिलना है, कहाँ पे लेना है। एप्पल ख़त्म हो गया फिर से, कोई नहीं वो लगा लेते हैं। ओके सो अब निकलते हैं जल्दी से, आप लोग सीधे अब जाना है भाई बिल के पास, आई मीन सेलियो के पास, उसको देना है अपने को ये जफीरो या फिर सफायर। यहाँ पर तुम लोगों को कई सारे रास्ते दिख रहे होंगे जाने आने के लिए वहाँ पे, मैं तो कभी बाद में हम लोग जाएंगे जब फुर्सत में एकदम, ठीक है। अभी मुझे गेम को एंड करने फोकस करना है, तो हम लोगों को अभी इसे काम की जगह पे जाना है। और तुम लोग सोच रहे हो भाई मैं सेकंड और थर्ड आइलैंड पे नहीं गया भाई, उसके कुछ रीजन्स हैं जिस वजह से मैं नहीं गया हूँ। तुम लोग भी मत जाना वहाँ पे, ठीक है। अगर वहाँ पे जाओगे तुम लोग ना, और वहाँ पर एक मिशन है एक बच्ची को बचाना अपने को, अगर वो मिशन तुम लोगों ने कंप्लीट कर लिया तो दोबारा यहाँ पर नहीं आ पाओगे, सच बता रहा हूँ मैं। अगर उस मिशन को तुम लोग सच में कंप्लीट कर लिया तो नहीं आ पाओगे यहाँ पे, तुम लोग दोबारा इस सब आइलैंड पे घूम नहीं पाओगे, ठीक है। क्योंकि सेलियो जो है और बिल जो अपने टिकट वापस ले लेंगे और तुमको भेज देंगे वापस सेनेवार आइलैंड की तरफ। चलो भाई इसको सफायर हम लोगों ने दे दिया है, इसने लगा लिया भाई, खुश हो गया बंदा बहुत ज़्यादा। देखो भाई और मशीन चालू हो गई, और ये क्या बात कर रहा है भाई। तो मेरे ख्याल से मुझसे खुश हो गया वो, ये हम लोग निकलते हैं अब, बिल से भी बात कर लेते हैं जरा। सब नॉर्मल लग रहे हैं भाई, क्योंकि अपने यहाँ एक मिशन यहाँ पे बचा हुआ है ना भाई, इसे हम लोग दोबारा यहाँ पे आ सकते हैं। बड़े अपना वो मिशन हम लोगों ने ख़त्म कर दिया ना जो सेकंड और थर्ड आइलैंड पे है ना, हम लोग दोबारा आ नहीं पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये एक दिक्कत है इसके लिए, तो हम लोगों ने आज मिशन ख़त्म कर दिया। लेकिन हम लोग अभी फिर भी हम लोग जाएंगे वर्मिलियन सिटी की तरफ, और हम लोग जाने वाले आज म्यू को भी पकड़ेंगे हम लोग भाई। म्यू को पकड़ना जरूरी है अपने लिए, क्यों? क्योंकि भाई अगले वीडियो में हम लोगों को डायरेक्ट जाना है विक्ट्री रोड के रास्ते से इलाइट फोर को हराने, समझ गए ना। रेबल ख़त्म हो गया, कोई नहीं भाई। तो पहले हम लोग चलते हैं सेरुलियन सिटी की ओर, क्योंकि सेरुलियन केव में ही मिलता है अपने को। हट जा साइड, अरे यार। तो चलते हैं, ठीक है भाई। और ट्रेडिंग करनी थी, वो सब बाद में होगी, धीरे धीरे होते रहेगी भाई, आगे वीडियो आएगी एक्स्ट्रा पार्ट में गेम इंड होने के बाद। ये इंड इसलिए कर रहा हूँ भाई क्योंकि मैं हार्ड गोल स्टार्ट करना चाहता हूँ, सच बता रहा हूँ भाई बहुत दिल से। यार तब से बोल रहा हूँ, थोड़ी देर चुप रहता हूँ। पेड़ कट करके चलते हैं यार। आई होप यार तुम लोग को मजा आ रहा है भाई, लाइक कर देना। तुम्हारे लिए इतना जल्दी जल्दी खेल रहा हूँ मैं रात के 12 बजे, आई मीन यार पोकेमॉन गेम के लिए तो आई मीन हमेशा रेडी अपने रो रहते हैं, ठीक है। सेरुलिन केक की तरफ हम लोग को चलना है, तो जल्दी से निकलते हैं इन लोगों से बचते बचाते। और मुझे पता है सेरुलिन केक किधर से जाने, म्यूटू के पास डायरेक्ट हम लोग म्यूटू को पकड़ेंगे भी भाई आज हम लोग, ठीक है। अपने पास 2 मास्टर बॉल है, एक तो भाई म्यू के पास थी उससे हम लोगों ने ले लिया था, दूसरी मास्टर बॉल अपने को उस बंदे ने दी थी इसको, हम लोगों ने बचाया था टीम रॉकेट से जो कि सेल्फ कंपनी का ओनर था, ठीक है। तो चलते हैं अंदर यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे तो वही पोकेमोन पैरासेक्ट। तुम लोग यहाँ पे घूम सकते हो हर जगह भाई, मैं थोड़ा सा घूम चुका हूँ तो मैं दोबारा खाली मेन काम करने यहाँ पे आया हूँ, जो कि तुम लोग को बताना कि कैसे म्यू तक तुरंत पहुँचे, ठीक है। जो लोग नहीं पहुँच पा रहे वो लोग कैसे पहुँचेंगे, हट जो मेरा स्लो ब्रो आ रहा है। तो भाई तुम लोग यहाँ पे आना सीधे सबसे पहले, तो ठीक है ये सब आइटम्स ले लेना, वरना दोबारा आओगे तो मिलेगा ही नहीं। तुमको दिखाता हूँ क्यों नहीं मिलेगा, मैं नहीं ले रहा हूँ फिलहाल के लिए भाई। इस सीढ़ी पे मत जाना, यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, मेन चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। इस गोल्डक कटाओ पहले कोई, यहाँ से हट यार, हट यार जल्दी। हाँ हट गया, चलो और सीढ़ियों से चलते हैं हम लोग भाई। यहाँ से देखो भाई कुछ यहाँ पे खुफिया रास्ते हैं जिससे हमें अपने मंजिल तक पहुँचना है, आई मीन न्यू टू अपनी मंजिल है यहाँ पे, तो हम न्यू टू तक किसी भी तरीके हम लोग पहुँचेंगे। एंड ये रहा रास्ता, और यहाँ पे
भाई म्यूटू तुमको दिख रहा होगा अपने आगे की तरफ, पीछे नीचे की तरफ तुमको दिख रहा होगा म्यूटू है। तुम लोगों को बस उसी को पकड़ना जाके यार, और अपना गेम प्ले यहीं पे एंड हो जाएगा। और नेक्स्ट गेम प्ले में शायद मैं राइट फोर से लड़ूँ और गेम को कर दूँ एंड, ठीक है। और फिर उन तुम लोग इंतजार करो भाई, बस हार्ट गोल्ड आने वाला है भाई। अब चाहे रात को मुझे 12 बजे क्यों ना रिकॉर्डिंग करनी पड़े, अब तुम्हारा भाई करेगा, ठीक है। तो इसलिए एक लाइक तो बनता है, लाइक कर देना। नर्स जो है भी यहाँ पे है, वाह भाई बहुत सही। आइए नर्स जो है हील कर दिए अपने पोकेमोन्स किसी बहाने। चलो भाई इस गेम में चलो बहुत मज़ा आएगा मेरे को, मज़ा तो बहुत आया भाई। लेकिन अपने को मेन मेन चीज़ करने बाकी हैं, आइलैंड पे घूमना, हर एक आइलैंड पे एकदम छानबीन करनी अच्छी तरीके से। तो भाई यहाँ म्यू है, ये म्यू बोल रहा है, म्यू टू है जबकि, तो म्यू टू को पकड़ते हैं भाई। लेवल 70 का भाई अपने सामने तो टिक भी नहीं पाएगा भाई, मैं इसलिए ज़्यादा कुछ करूँगा नहीं, डायरेक्ट हम लोग कैच करेंगे भाई एक मास्टर बॉस से बिना लड़े, ठीक है। बिना लड़े मैं कैच कर रहा हूँ यहाँ पे, बिकॉज टाइम की कमी है। सो लाइक कर देना भाई वीडियो को, सब्सक्राइब करो आप लोग नए हो तो, बेल आइकन जरूर दबाना, ऐसी वीडियोस और भी आती रहेंगी। और यार हार्ट गोल्ड स्टार्ट होने वाला है और बहुत मज़ा आएगा उसमें, सच बता रहा हूँ, शुरू से खेल रहा हूँ मैं फिर से। चलो भाई म्यू टू भी अपने पास आ गया, म्यू तो है ही पहले से। अब भाई देखते हैं कौन टक्कर लेता है अपने पोकेमोन से यहाँ पे। वैसे म्यूटू को मैं यूज नहीं करूँगा ज़्यादा भाई, क्यों नहीं यूज करूँगा, क्योंकि भाई म्यू अपने पास पहले से ही है, तो म्यूटू का क्यों यूज करूँ मैं। और रॉक इसमें तो अपने को सिखाऊंगा मैं किसी पोकेमोन को, जो कि नेक्स्ट एपिसोड में सिखाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ से हम लोग निकलते हैं, एंड काफ़ी यहाँ पे ऐसी वैसी चीज़ें हैं भाई। यार मैंने फिर से गलती की, मैं इसकी अपर प्लाना भूल जाता हूँ हर बार, वरना यहाँ से तुरंत निकल जाते हैं हम। यहाँ पे लिकी टैंक है भाई, लिकी टैंक भाई यहाँ पे देखो सब हैं, पकड़ सकते हो तुम लोग लिकी टैंक को भी यहाँ पे। आयो मैं तो नहीं पकड़ना चाहूँगा फिलहाल तो लिकी टैंक को। और इधर से हम लोग आए थे ना, हाँ इधर से आए थे हम लोग, थोड़ा फास्टली निकलता हूँ भाई, बहुत टाइम लगने वाला वरना इसे तो। हाँ अरे 100 चांस ही, अरे यार हाँ चलो ठीक है, जल्दी 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 जल्दी, अपने को बहुत टाइम लग रहा है यार यहाँ पे निकलने में ही। और बस अपने को किस तरीके पहुँच जाएंगे, ये पहुँच गए। और फिर इसके बाद इधर से हम लोग निकल लेते हैं, हाँ इस सीढ़ी अपने को जाना नहीं है, यहाँ से सीधे निकलना है, ठीक है। अरे यार हट जाओ गोल बैट, स्लो करना पड़ेगा अपने को। चल भाई मैं कहाँ चढ़ गया यार, इधर से कूदा उधर चढ़ गया। तुम लोग यहाँ पे आ जाना भाई, गैराडोस भी यहाँ पे है, टेंटाक्रोल टेंटाक्रोल मतलब टेंटाकोल टेंटाक्रोल सब यहाँ पे हैं, किसी को भी पकड़ सकते तुम लोग चाहो तो। भाई फिलहाल हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, ठीक है। तो भाई वीडियो को लाइक करो भाई, हम लोग कल जाएंगे यहाँ से विक्ट्री रोड की तरफ। आज मैं सेरुलियन सिटी में ही रुकूंगा, यहाँ अपने पोकेमोन को हील करूंगा और यहीं पे रुकूंगा हम लोग, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे विक्ट्री रोड के रास्ते से बढ़ते हुए अपने लास्ट इंडिगो स्टेडियम, यानी कि इंडिगो स्टेडियम ही होगा मेरे ख्याल से, वो इंडिगो लिख कह सकते तुम लोग। तो भाई लोग बाय बाय, गुड नाइट, गेम को यहीं पे करता हूँ मैं सेव भाई, बहुत देर हो गई मुझे सोना भी, अब जा करके बाय बाय गुड नाइट।